दोस्तों, यह है गौरी का घर और यहाँ पर गौरी रूही को बुक पढ़ा रही है और यहाँ पर विक्की खेल रहा अपनी कार से और इधर गार्डन में पापा कर रहे हैं एक्सरसाइज। आज पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओ, अरे ये गाय की आवाज आ रही है। बाहर जाते हैं गाय गाय बाहर गाय गाय। और यहाँ पर विक्की गाय की आवाज सुन करके बाहर गार्डन में आ गया है और यहाँ पर गाय ने गोबर कर दिया है और विक्की गाय के गोबर में खेल रहा है और विक्की ने अपने पूरे हाथ पैर और मुंह पर पूरा गोबर ही गोबर लगा दिया है और विक्की बहुत ही खुश है। रूही बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है ना, अब तुम खुद से एक बार प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? मैं आती हूँ विक्की को देखती हूँ। विक्की कहाँ हो बेटा? विक्की कहाँ हो? आ जाओ मम्मा के पास। किधर हो? अरे ये विक्की कहाँ चला गया, अभी तो यहीं खेल रहा था। गौरी क्या हो गया? अरे ये विक्की को आवाज़ लगा रही थी, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ, क्या पता गार्डन में ना चला गया हो खेलने के लिए। आप करो अपनी एक्सरसाइज, मैं आती हूँ विक्की को ढूंढ करके गार्डन में। हाँ ठीक है, नहीं मिले तो बताओ मुझे, मैं भी आऊँगा फिर। और यहाँ पर गौरी चली गई है गार्डन में विक्की को ढूंढने के लिए। अरे विक्की, छी छी छी, कितना गंदा है, ये क्या कर रहा है? तो गोबर में खेल रहा है, पूरे हाथ पैर में गोबर लगा दिया है। हे भगवान, पूरे हाथ पैर मुंह सब कुछ गंदा कर दिया है, अब इसे रगड़ रगड़ के नहलाना पड़ेगा। अरे विक्की, ये क्या कर दिया, पूरे मुंह पे हाथ पे गोबर ही गोबर, छी 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 छी। अरे मम्मा पापा इतना शोर क्यों कर रहे, देख करके आती हूँ जल्दी से। और रूही आ गई है मम्मा पापा के पास देखने के लिए। मम्मा क्या हुआ? अरे विक्की, छी, कितना गंदे है ये विक्की, आज फिर से शैतानी करी इसने, अब आज गोबर हाथ में लगा लिया, रोज कुछ ना कुछ शैतानी करता है, कितना जोकर है ये तो बिल्कुल ही जोकर होते जा रहा है, बहुत ही बेकार है। बेटा बहुत ही नटखट हो गया है विक्की, मैं अभी इसे नहला करके आती हूँ, ठीक है? हाँ मम्मा, ये तो बहुत ही बेकार है, और मैं तो कितनी अच्छी थी है ना, जब मैं इतनी छोटी थी तो मैं तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी बहुत शैतानी करती थी बेटा, उल्टा तुम तो थोड़ी और ही ज़्यादा करती थी शैतानी। चलो मैं इसे नहला के आती हूँ। शैतानी मैं नहीं, मैं तो गुड गर्ल हूँ। और गौरी यहाँ पर विक्की को बाथरूम में नहला रही है। बहुत ही रगड़ना पड़ेगा, देखना कितनी स्मेल आ रही है गोबर की। और विक्की यहाँ पे पानी के मज़े ले रहा है। यहाँ पर विक्की नहा चुका है और गौरी ने उसे तौलने में लपेट लिया है और विक्की के कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब विक्की आराम से अपने झूले में बैठ करके अपनी गाड़ी से खेल रहा है और तभी रूही की दोस्त और अनु भी आ जाते हैं। अरे रूही कहाँ हो तुम, आओ ना, चलो ना पार्क चलते हैं खेलने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। रूही, मम्मा पापा से पूछती हूँ, मम्मा पापा मैं पार्क जाऊँ क्या अन्नु तन्नु के साथ? हाँ बेटा ठीक है, जा लो, पर वहाँ पे कुछ शैतानी मत करना, ठीक है? और ज़्यादा मस्ती मत करना, अच्छे से खेलना बेटा, टाइम से घर आ जाना, ठीक है? ज़्यादा देर मत करना, अंधेरा मत होने देना। और यहाँ पे तीनों दोस्त रूही, अन्नु और तन्नु निकल गए हैं पार्क की ओर और तीनों पार्क में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर तीनों दोस्त पार्क में बैठ गए हैं। अरे अन्नु तन्नु कैसे खेले, देखो ना ये छोटे बच्चे तो खेल रहे हैं, अब ये हमें खेलने ही नहीं देंगे। हाँ तन्नु बताओ ना, क्या करें, कैसे खेलेंगे, मेरा तो बहुत मन है खेलने का। अरे क्यों नहीं खेलेंगे, अभी मैं चाहती हूँ इनको सबक सिखा के आती हूँ, हमेशा कि ये खेलते रहेंगे, छोटे मतलब तो क्या, हमेशा ये खेलेंगे, हम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए, हमारा भी मन करता है खेलने का, बहुत ही मज़ा आ रहा है खेलने में। अरे रूही देखो ना, तुमने ठीक कहा था, नहीं खेलने दे रहे छोटे बच्चे, बहुत ही शोर मचा रहे हैं कि हम पहले आए तो हम ही खेलेंगे। कोई नहीं है तन्नु, मैंने तो तुम्हें कहा था कि वो लोग नहीं खेलने देंगे, कोई नहीं, सुनो ना हम अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ना हम अंताक्षरी खेलते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। हाँ 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 मज़ा आएगा, चलो चलो शुरू करते हैं।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जी नहीं लगता मैं तो मर गई हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाय बाय दोस्तों।